is all for Aftab. He's a producer now, and we are very, very proud, surprised, and really admire your effort. मैं आफ्ताब को हमेशा ही अच्छी चीज़ें विश करके आई हूँ और अब वो प्रोड्यूसर बन गया है तो मैं विश करूँगी कि उसकी फिल्म बहुत बहुत सक्सेसफुल है. It's looking like a nice, pleasant, sweet film. So hopefully it will work. एक विश तो आधी विश तो पूरी हो गई कि मैंने फिल्म बनाई है. अब दूसरा जो भाग है विश का कि लोग फिल्म देखकर पसंद करें, आपका सपोर्ट मिले, आपका ब्लेसिंग्स मिले, जो दर्शक देख रहे हैं अगर उन्हें पसंद आए तो मेरी पूरी विश मतलब पूरी हो जाएगी. इनकी पहली वेंचर रही है और वाला इसको बहुत कामयाब करें और बहुत इनको तरक्की दें. आओ विश करें कि द फिल्म इज अ सक्सेस. ये उसकी पहली प्रोडक्शन है तो आई थिंक ब्लेसिंग्स. मुझे बहुत खुशी है कि आफ्ताब शिवदेसानी ने ये पहली फिल्म बनाई है. आई एम वेरी फाउंड ऑफ आफ्ताब शिवदेसानी. बहुत ही प्यारे यंग पोस्टर हैं. मैं तो विश करता हूँ कि आफ्ताब शिवदेसानी की फिल्म चले, लोगों को पसंद आए. मेरी तरफ से आफ्ताब शिवदेसानी को ढेरों विश, ढेरों शुभकामनाएं. इस वक्त हम आफ्ताब को ही विश करने आए हैं कि उनकी पिक्चर हिट हो जाए, और इतना रिसेशन का ज़माना चल रहा है फिल्मों में तो एक आफ्ताब की पिक्चर चल जाए. हमारे बहुत खास दोस्त है आफ्ताब और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनके लिए. पहली बार पिक्चर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, शायद उनकी पिक्चर चल जाए तो शायद मैं भी पिक्चर प्रोड्यूस करूँ. मैं आफ्ताब की पहली फिल्म मैंने कोरियोग्राफ की थी जो थी मस्त, और तब से वो मुझसे लाते ही खाते जा रहा है. तो आज मैं चाहूँगी कि मैं उसको एक हक दे दूँ और मैं उसे यही कहूँगी कि उसका वो बहुत मेहनती लड़का है, वो हमेशा ऐसे ही रहे. बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपना जो प्रोड्यूसर का जो काम है बहुत अच्छे से निभाया, हम सबको बहुत खुश रखा और एक अच्छा अनुभव दिया हमें. इट्स नॉट ईजी बट ही इज़ गिवन हिज बेस्ट. ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड वी जस्ट होप एंड विश दैट ही गेट्स ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर. हमेशा एक ख्वाहिश थी मैं कि एक फेरी टेल बनाऊँ और एक ईजी फैमिली गोइंग फिल्म बनाओ जहाँ पर आप अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सको, यू नो, एक क्लीन इनोसेंट सिंपल फैमिली एंटरटेनर को. तो जब मैंने ये कहानी चुनी है, जब मैंने इनफैक्ट को राइट भी की है मैंने इस कहानी को अपने राइटर रविंद्र मंगा के साथ, तो यही उम्मीद थी कि हम लोग ऐसी फिल्म बनाएँ ताकि आप अपने पूरी फैमिली के साथ देख सकें. तो अभी देखना ये है कि मतलब अगर लोग आएंगे और देखेंगे तो कितना पसंद करेंगे. एक्चुअली फेरी टेल इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़ बट आई थिंक इट्स अ यंग बॉय इन अ ओल्डर बॉडी. वेल, परियां तो मुझे हमेशा अच्छी लगी है इसलिए मैं कोई अच्छी होर की पड़ी देखने आया हूँ. फेरी टेल स्टोरी, आई थिंक मेरी लाइफ ही एक फेरी टेल स्टोरी है. मेरे घर में तीन फेरीज घूम रहे हैं और तीन एंजल्स कहूँगी मैं, तो मुझे बहुत पसंद है. मैं हमेशा से एक फेरी टेल करना चाहती थी, एक परियों की कहानी. सिंड्रेला मेरी फेवरेट फेरी टेल हुआ करती थी एंड फाइनली आई एम डूइंग अ फेरी टेल, सो इट फील्स ग्रेट.